हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वन मार्क क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है हमारा द वर्क ऑफ रिवर एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स। जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर है ये हमारा, जियोग्राफी ऑनर्स में जो हमें पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इरोजन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज। जो हमारी अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे जो इरोजन होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है। हम ये सारे फैक्टर्स पढ़ चुके हैं, रनिंग वाटर के थ्रू, ग्लेशियर के थ्रू, विंड के थ्रू, तो इनमें से कौन सा होगा आंसर। ओके, तो ग्लेशियर और विंड के थ्रू उतना ज्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछ रहा है, तो इंपॉर्टेंट कौन है इनमें सबसे ज्यादा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रनिंग वाटर। ओके, क्वेश्चन नंबर टू हमारा है, विच ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स इन एन एरिया हैविंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक्स। कौन सा ड्रेनेज पैटर्न बनता है उस एरिया में जहाँ पे अलग अलग तरह के रॉक्स होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट रॉक एंड हार्ड रॉक्स, अगर इनका कॉम्पोजिशन है तो वहाँ पे कौन सा ड्रेनेज पैटर्न हमारा बनेगा। क्या वो रेक्टेंगुलर होगा या सेंट्रिपिटल होगा, ट्रेलिस होगा या डेंट्रिटिक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रेलिस, जिसका मतलब होता है जालीनुमा। ठीक है, जाली की तरह। उसके बाद है क्वेश्चन, रिवर कैप्चर अकर्स। रिवर कैप्चर जो है वो कहाँ पे अकर्स होता है, रिवर अपहरण कहाँ पे होता है, तो वो इन द फील्ड, ऑन द प्लेट्यू, इन माउंटेनस रीजन, इन डेल्टाइक रीजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटेनस रीजन। एक्चुअली देखो, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जितने भी आपको चीज़ें दिख रही हैं ना, ये जो चारों हमारे पैटर्न हो गए ये हम पढ़ चुके हैं, और ये जो हमारे फैक्टर्स है ये कंप्लीट है हमारा, इन द फील्ड, ऑन द प्लेट्यू, ऑन द माउंटेन्स में किस तरह के होते हैं, या फिर रिवर कैप्चर क्या होता है, कहाँ पे अकर करता है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट है। तो बस मैं बस क्वेश्चन बता रही हूँ, इन सबको आपको क्या करना है, एक बार पहले पढ़ लेना है, जो मैंने पढ़ाया वहाँ से भी पढ़ लोगे तो इसका आंसर एकदम इजिली दे पाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर हमारा कहता है, इन विच स्टेज ऑफ द रिवर गॉर्ज इज फॉर्म्ड। तो गॉर्ज कहाँ पे फॉर्म्ड होता है, कौन से स्टेज में रिवर के, तो यूथ स्टेज, बी में मैच्योर स्टेज, सी ओल्ड स्टेज एंड डी नन ऑफ दे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूथ स्टेज। क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा क्या कहता है, द टोपोग्राफी फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। डिपोजिशनल वर्क मतलब रिवर इरोजन का काम कर रही है, और इरोजन का काम करके जो अपने साथ चीजें लेके जा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के डिपोजिट होगा, तो डिपोजिट होने पे कौन सा लैंडफॉर्म हमारा, कौन सी टोपोग्राफी बनेगी। तो आंसर है इसमें ऑप्शन ए, वी शेप वैली, वी डेल्टा, सी फॉल लाइन, डी रैपिड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, एकदम सीधा सीधा कोई भी बता सकता है कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, डेल्टा, क्योंकि डेल्टा ज्यादातर क्या होता है, ये डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर से ही बनता है। ठीक है, तो आंसर सबको पता चल गया, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, उसके एमसीक्यूज के साथ। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो, समझ में आया होगा, एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।